गौर से देखिए, हमारे साथ जसलीन है। जसलीन बहुत बहुत स्वागत है, खूबसूरत से फूल के लिए, बहुत सारे फूल, बहुत प्रिटी लग रही है। मुझे बताओ लेकिन, थैंक यू, लेकिन ये हो क्या रहा है? चले रिपोर्टर आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया है जो आपके फैंस ने काफी डिमांड की थी, तो आप तैयार? तैयार तो हूँ, पर मैं एक्चुअली अभी भी बहुत सरप्राइज हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कैट से मिलने आई हूँ और वैलेंटाइन डे मनाने आई हूँ, और आप लोग यहाँ कैसे आ गए मुझे जरा बताओ, कौन है आपका खबरी? तो जसलीन का सरप्राइज बहुत तैयार है, तो चले जसलीन, जसलीन का स्वागत है, आइए। ओके जसलीन, आपके लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि आप पहले कितने खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, ये कैट कैफे स्टूडियो जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी बिल्लियाँ हैं और जिस तरह से ये लोग रेस्क्यू करते हैं कैट्स को, और जिस तरह से रोड पे कोई कैट अगर बीमार है तो जिस तरह उठा के ले आते हैं, अडॉप्ट करते हैं यहाँ से लोग बहुत सारी कैट्स, तो मुझे यहाँ आके बहुत खुशी होती है और मैं अपनी दोस्तों के साथ आ जाती हूँ एंड अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड। वैलेंटाइन डे का ही दिन क्यों चुना है कैट्स के साथ? क्योंकि मैं सिंगल हूँ और मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है तो क्या करूँ, और सबको ये बात पता है कि मैं सिंगल हूँ, जसलीन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो कैट्स के साथ मनाती हूँ। और मेरे हिसाब से अगर वैलेंटाइंस डे, ज़रूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर के साथ ही मनाएं, वैलेंटाइंस डे आप अपने फैमिली के साथ मना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मना सकते हैं, तो मैं कैट्स के साथ मना रही हूँ। आपको बता दूँ कि जसलीन के घर पे भी कैट हैं, लेकिन जसलीन यहाँ पे बहुत सारे कैट्स के साथ अपना प्यार बांट रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी जो म्याऊं है वो घर पे है और मैं उसके साथ वैलेंटाइन से मनाकर आई हूँ, तो अब वक्त है थोड़ा इनके साथ टाइम स्पेंड करने का। आपके लिए और भी कुछ हमारे पास खास है लेकर आए, आप बैठ जाएं, आज आपका दिन है, प्यार का दिन है। तो जसलीन हमारे साथ हैं, केक भी यहाँ है, तो चलिए सबसे पहले वैलेंटाइन डे के दिन केक कटिंग कर लेते हैं। ओके, प्यारा केक है, मैं दिखाना चाहती हूँ सबको, ये देखिए ये हार्ट वाला केक कितना प्यारा है, काटेंगी केक और फैंस देखिए क्योंकि आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी उस पर जसलीन अब आई है यहाँ प्यार बांटने, और केक आप अभी फिलहाल तो नहीं खा पाएंगे लेकिन जसलीन कैमरे के जरिए, तो केक मैं सबको बांटूंगी, केक कटेगा सब में बटेगा, राइट नम्रता? चलो ठीक है, काटूं? ओके ठीक है, ये एक साथ सब पहले ताली बजाएंगे, विदाउट तालियां नहीं होगा। वाओ, चलो थैंक यू सो मच यार टेली रिपोर्टर, आप लोग आए और मेरा दिन इतना स्पेशल बनाया है आपने। सबसे पहले नम्रता, अब एक बार सबको खिला दूं, आइए गाइस, हैप्पी 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 वैलेंटाइन डे। देखते हैं अब देखिए, मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे शायद एक छोटा सा स्वयंवर कर लेना चाहिए अभी, क्योंकि मैं तो सिंगल ही हूँ और प्यारा सा मुझे एक लड़का चाहिए जो मुझे एक रोज़, एक टेडी, ऐसी चीज़ें मुझे दे और मैं इम्प्रेस हो जाऊँगी, तो देखते हैं कौन अच्छा सा है, आप ही मेरे लिए ढूंढो यार। सो गाइस, वैलेंटाइंस डे है और मेरा ये मानना है कि वैलेंटाइंस डे आप अपने पार्टनर के साथ ही नहीं, अपनी फैमिली के साथ मना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मना सकते हैं, और मैं अपना वैलेंटाइंस डे यहाँ मना रही हूँ कैट कैफे स्टूडियो वर्सोवा में। हेलो गाइस, मैं हूँ अमृता दुबे और आज है प्यार भरा दिन यानी कि वैलेंटाइंस डे, और हमारे साथ है खूबसूरत सी हसीना जसलीन मथारू। hey! बहुत बहुत स्वागत है आपकी फेवरेट चैनल टेली रिपोर्ट। थैंक यू अमृता। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज आपको बहुत सारे तोहफे तो मिले हैं, आपने केक भी कट कर लिया है, लेकिन एक तोहफा और मैं आपको दूंगी अगर आपने प्यार भरे क्वेश्चंस के प्यार भरे आंसर दिए। रेडी? रेडी मैं हूँ, लेकिन क्या मुझे जवाब पहले देने पड़ेंगे फिर मुझे वो चीज मिलेगी या अभी मिल जाएगी? मैं उम्मीद करूँ कि आप जवाब ज्यादा अच्छे देंगे तो मैं आपको गिफ्ट दिखा देती हूँ। तो ये है आपका फेवरेट सा टेडी, ये आपको अभी नहीं मिलने वाला है, पहले आपको अपने फैंस के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। चलो ठीक है, shoot them, come on. तो ready? तो जसलीन, सबसे पहला सवाल, आपके लिए वैलेंटाइन डे क्या है? मेरे लिए वैलेंटाइन डे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ना कभी रहा है, मुझे बहुत सिंपल चीज़ें पसंद है, जैसे अब तुम मेरे लिए ये टेडी बेयर और ये रोज़ लाई हो ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसी चीज़ से, एंड मुझे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना, अगर मैं सिंगल हूँ तो, अगर सिंगल नहीं हूँ तो फिर मैं बाहर जा सकती हूँ विथ माई यू नो, बट अगर कोई नहीं है, जैसे कि अब कोई नहीं है, तो मैं कैट कैफे स्टूडियो आई हूँ और सेलिब्रेट कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ। अगर किसी को आपको वो एक कहते ना पटाना हो, तो क्या करे वो जसलीन को पटाने के लिए? देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है,
मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो मुझसे बड़े हों. मेरी एज वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. तो कोई रीज़न स्पेसिफिक रीज़न? इसलिए क्योंकि आई बिलीव मैं थोड़ी सी यू नो नटखट सी हूँ, मस्तीखोर सी हूँ, तो मुझे हैंडल करने वाला लड़का होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि वो भी मस्तीखोर हो, बच्चा सा हो, मेरी तरह ही पागलपन करे. तो दो पागल एक साथ, दो मतलब क्रेजी लोग एक साथ मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा. इसलिए मुझे ऐसे लोग पसंद हैं, लड़के ऐसे पसंद हैं जो मुझसे 5-6 साल बड़े हों एटलीस्ट. एंड इट रियली डिपेंड्स एक्चुअली कि उसकी नेचर कैसी है. वो बड़ा सिंपल सा और बड़ा यू नो शरीफ सा होना चाहिए, क्योंकि मैं ना बड़ी थोड़ी रीटा में सीता टाइप्स हूँ. तो मैं ऐसे लगती हूँ बड़ी ग्लैमरस डॉल टाइप, लेकिन मेरी थिंकिंग जो है ना वो अभी भी ओल्ड स्कूल ही है. पार्वती बनी पू, बिल्कुल वही हूँ मैं. तो थिंकिंग मेरी वही है कि शादी होगी, मैं सिंदूर लगाऊंगी, यू नो, एंड बच्चे पालूंगी और बच्चे बड़े करूंगी. तो वो थिंकिंग वैसी ही है अभी भी. तो मुझे वैसा ही लड़का चाहिए. मुझे वो बहुत एकदम ऐसा स्टाइलिश क्लबिंग वबिंग टाइप्स लड़के मुझे नहीं चलते. मुझे घर में बैठने वाला, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे. बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप वो पाड़ी वाड़ी करने टाइप वाले लड़के हो तो मुझे बिल्कुल नहीं चलोगे. एक और सवाल की टेलीपोर्टर ने आपसे पूछा था, स्वयंवर की बात आपने कही थी, तो बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद कुछ आए ऑफर्स लड़कों के, कुछ किसी ने अप्रोच किया हो, कुछ प्रपोज? ऑनेस्टली बताऊं तो हाँ हुआ है ऐसा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि वो अगेन वही ऐसे वो जंगली टाइप्स क्रेजी बिल्कुल. और मैं खुद इतनी बड़ी क्रेजी लड़की हूँ, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ किसी भी वक्त, सब जानते हैं ये बात. तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे हैंडल कर सके और मुझे थोड़ा सा सेन रख सके, यू नो. सो वो समझ गए हैं सब. इनको खाना भी पका कर खिलाए? हाँ, एंड मैंने ना खाना बनाना सीख लिया है. तो मैं सबको बता दूँ, पहले मुझे कुछ नहीं आता था बनाना, दाल भी नहीं बनाने आती थी, चावल नहीं, मुझे रोटी ये नहीं पता चलता था कि ये पक कब गई है, यू नो, उसका कब वो कुक कब हो गया, मुझे यही नहीं समझ में आता था. तो अब जब बिग बॉस के घर के अंदर मैं जा रही थी, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि बॉस अब मुझे सीखना है कि खाना कैसे बनाना है, और यही सही टाइम है जब मैं सीखूंगी. एंड माई मदर यूज़ टू ऑलवेज टेल मी कि यार ये लड़की की शादी वादी होने वाली है नहीं, इसको इसकी सास घर के बाहर निकाल देगी, क्योंकि इसको खाना वाना बनाना आता नहीं, ये पति का ध्यान ही नहीं रख पाएगी. मेरी मॉम ये कहती थी. तो माई मॉम इज हियर इनफैक्ट, और आप खुद ही पूछ लेना बाद में. सो मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे शादी करनी है प्यारे से लड़के के साथ, तो मुझे पहले उसको खाना बना के खिलाना होगा. तो अब मैंने सीख लिया है और मैं अच्छा खाना बनाती हूँ. कभी कभी जला देती हूँ, बट अच्छा है. बाकी खूबसूरती देख कर रोटियाँ जल जाती. नो कमेंट्स. जैसे एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि बॉलीवुड स्टाइल प्रपोजल आपको चाहिए कि थोड़ा सा शांत, क्योंकि टेडी और रोज़ तो सब जान गए कि आपको चाहिए ही, लेकिन किस तरह के डायलॉग्स यूज़ करें या फिर इशारों इशारों में बातें? यू नो व्हाट, डायलॉग्स अगर ना मारे तो ही अच्छा है. मतलब वो जितना सिंपल होगा ना, मैं कुछ मार दूंगी फिर मुझे वो इतना फिल्मी टाइप अगर वो प्रपोज करेगा तो फिर मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी वहीं पर. तो मुझे चाहिए कि वो बड़ा सिंपल सा हो और आंखों आंखों में ही इशारा हो जाए कि ओके ही लाइक्स मी और फिर मुझे उससे प्यार हो जाएगा. बट वो आके ही डायलॉग मारेगा, हाय जसलीन कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी, ये सब होगा. तो पॉसिबल ही नहीं है. इस तरह का लोकेशन चाहती कि कहां पर आपको प्रपोजल आए किसी राजकुमार से? कोई ऐसी जगह जहाँ पे स्नो हो, यू नो, बर्फ़ वाली जगह, जैसे शिमला हो गया, कश्मीर हो गया, जहाँ बर्फ़ में मैं बर्फ़ के अंदर घुस चुकी हूँ, वैसी जगह होनी चाहिए. लास्टली, आपने जितने भी फैंस हैं, कई लड़कों के हमको कमेंट्स आते हैं कि जसलीन तक मेरी बात पहुंचाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें. वैलेंटाइन आपके साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए इतने एक्साइटेड है, तो लास्टली उनसे अपने फैंस से क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना वैलेंटाइन डे आप बहुत ही अच्छे से मनाइए, और अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, किसी लड़की के साथ अगर आप हैं, तो उसे ऐसी जगह लेके जाइए जहाँ पे वो बहुत खुश हो जाए, और बहुत सारा प्यार कीजिए. यार ये दिन प्यार मनाने का, और मैं इनफैक्ट अपना एक गाना गाना चाहती हूँ, क्योंकि वैलेंटाइंस डे रोज़ होता है और रोज़ लव डे मनाया जा सकता है अगर आप सोचो. तो ये गाना मैं सबके लिए गाना चाहती हूँ, जो मेरा ही गाना है. कोई मनाए वैलेंटाइन डे डे डे, कोई मनाए रोज डे, ओ कोई मनाए चॉकलेट डे डे डे, कोई मनाए फ्रेंडशिप डे, कोई करे मस्ती संडे को, कोई मनाए रोज डे. अपना तो हर दिन लव डे लव डे लव डे लव डे, ए लव डे लव डे love day love day, hey love day love day. तो हर रोज love day मनाइए.
अब लगता है मुझे ये टेडी जाने के लिए एक्साइटेड है जसलीन के पास, क्योंकि जसलीन ने बहुत खूबसूरत आंसर्स दिए हैं। आपको हमारे ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही जसलीन आपके बहुत सारे फैंस हैं, गिफ्ट अगर आपको देना चाहते हैं तो कैसे? प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए एंड टेली रिपोर्टर से बोलिए, क्योंकि ये लोग ना फटाक से मेरे पास पहुंच जाते हैं। एंड दीज गाइज, यू गाइज आर अमेजिंग यार, ये रियल रॉक स्टार्स हैं। तो कुछ अगर ऐसा आप मुझे देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बिलो और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले यार, है ना। एंड टेली रिपोर्टर प्लीज़, कोई मैसेज आए, कुछ भी आए, जस्ट लेट मी नो प्लीज़। हैप्पी 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 वैलेंटाइंस डे, हैप्पी लव डे गाइज, हैव लोड्स ऑफ फन। और ये कितनी लेजी है, इसको नींद आ रही है, अभी मैं इससे मिलने आई हूँ, इसको कोई, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैट्स का ये होता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दे आर सुपर मूडी और अपने मूड के हिसाब से ये रहते हैं। ये देखो कैसे बिहेव कर रही है। वेरोनिका वेरोनिका उठ जाओ उठ जाओ, किसी और को देखते हैं, चलो ओके, स्लीप बेबी स्लीप। ओह गॉड मायरा नॉटी बॉय, नहीं प्लीज डोंट स्क्रैच मी, प्लीज डोंट स्क्रैच, व्हाट डू यू वांट, अरे होल्ड ऑन, ओके मायरा ओके मायरा ओके ओके। आ रहे हैं यहाँ पे दो ढाई साल हो गए, दो ढाई साल से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट कैट्स इज के यू नो डॉग्स जो है वो आ जाते हैं छुछ करके बुलाने पे आ जाते हैं, बट कैट्स ऐसे नहीं आती। एंड आई थिंक ये सबसे क्यूट चीज़ है इनके बारे में, और यही चीज़ जो है मुझे इनकी बहुत पसंद है। क्योंकि अगर कैट्स, बहुत लोग हैं जो कैट्स के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये बुलाने से आ नहीं रहा है तो फिर कैट हमें पसंद नहीं है। बट आपका ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो नहीं आ रहे हैं, अपने मूड के हिसाब से रह रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। आप यू कैन स्टिल लव देम एंड बहुत ही प्यारे होते हैं वो, और उनके मूड के हिसाब से रहो, उनको प्यार करो, जब आती है तो बैठ जाती है, नहीं तो फिर चली जाती है। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल एंड इनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, सो इसका कोई एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से ये ब्लाइंड हो गई है, और ये कुछ नहीं देख सकती, बट फिर भी ये यू नो स्मेल करती है लोगों को, और जब यहाँ पे लोग आते हैं, सो दिस इज़ अ कैफ़े जहाँ पे कॉफ़ी यू कैन हैव, यू कैन कम विथ योर फ्रेंड्स, चिल कॉफ़ी पी सकते हो, यू कैन ईट और इनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। और जिस तरह ये कैट है जो ब्लाइंड है, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, तो ये यू नो स्मेल करती है कि किसके साथ इसको बैठना है, फिर ये जाके लैब में बैठ भी जाते हैं। सो दे आर वेरी, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है इसको पैर नहीं है, एक सामने का पैर इसका नहीं है, तो इसको इतने प्यार से खिलाना पड़ता है। खा ले खा ले, अरे खाने दो उसे, नो नो, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच टेली रिपोर्टर, आप लोग यहाँ पे आए और मुझे सरप्राइज़ किया आप लोग ने, यहाँ पर आकर और टेडी बेयर एंड फ्लावर्स देकर एंड लोगों तक आप पहुँचा रहे हैं ये चीज़ कि मैं किस तरह से मनाती हूँ वैलेंटाइंस डे। और जो गुड्डू गुड्डू गुड्डू, तो ये आप देख सकते हैं ये वाला बहुत बुड्ढा हो गया है। गुड्डू हैव दिस हैव दिस, और 8 इंच, अरे इसको पैर नहीं है, हाँ हाँ इसको पैर नहीं है, फिर भी चर्बी बहुत है इसको। बी अ गुड गर्ल, नो कितनी मस्ती, माय गॉड कितनी मस्ती। अच्छा पैर वैर अटका रही है प्लेट में, चुप। तो
वैलेंटाइन डे है और मैं अपने प्यार के साथ अपना वैलेंटाइन डे मना रही हूँ, तो ये गाना मैं इनके लिए गाना चाहती हूँ और आप सबके लिए ऑब्वियसली। तो वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, चाहे तुम्हें किस कदर मेरा दिल तुमको नहीं है पता, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, वादा रहा। तो जसलीन, पूरे दिन टेली रिपोर्टर के साथ आपने प्यार भरा दिन अपना सेलिब्रेट किया है, तो कैसा लगा हमारे साथ आज? बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड थैंक यू सो मच टेली रिपोर्टर, आप लोग आए यहाँ पर और आप लोगों ने मेरे साथ ये टाइम स्पेंड किया, वैलेंटाइंस डे मेरे साथ इम्तियाज के साथ मनाया, सो आई एम वेरी हैप्पी। और ये मैसेज लोगों तक जाए कि इनसे कितना प्यार करना चाहिए एनिमल्स से, और यू नो थैंक यू सो मच गाइज। हाई गाइज, मैं हूँ जसलीन मथारू और आज मैं मना रही हूँ अपना वैलेंटाइंस डे बिल्लियों के साथ, सीएल के साथ एंड टेली रिपोर्टर के साथ। नम्रता मेरे साथ है और हम विश करना चाहते हैं सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे, और सीएल भी विश करेगा, करो हैप्पी वैलेंटाइन डे।